शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस बाबत मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस के इलेक्शन कंट्रोल रूम इंचार्ज यशवंत छाछड़ा ने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने विभिन्न कमेटियां बनाई हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी तेजेंद्र पाल सिंह बिट्टू को नगर निगम चुनाव का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें मंत्री हर्षवर्धन चौहान को चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार नगर निगम शिमला के चुनावों में कांग्रेस ही बाजी मारेगी। देखिए, जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी ने जो है अपनी सभी कमेटियों का गठन कर दिया है, और ओवरऑल जो है हमारे AICC के सेक्रेटरी इंचार्ज तेजिंदर पाल बिट्टू जी को यहाँ का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, और स्क्रीनिंग कमेटी में हर्षवर्धन चौहान जी को जो है चेयरमैन बनाया गया है, और कंपेन कमेटी में जो है हमारे उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी को चार्ज दिया गया है, और रोहित ठाकुर जी को भी जो है वो मैनेजमेंट कमेटी का जो है चार्ज दिया गया है। तो अब एक्टिवली जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो मैदान में आएगी, और जिस तरीके से इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो हमने 8 तारीख तक जो है आवेदन जो है वो मांगे हैं लोगों से। जो जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं वो 8 तारीख 5 बजे तक अपने आवेदन देंगे, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, और 10 या 11 तारीख तक जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग फिक्स की जाएगी, जिसमें कि जितने भी कैंडिडेट्स आए होंगे उनके आवेदन के ऊपर जो है चर्चा होगी, और हाई कमांड को जो है आगे नाम जो है वो भेज दिए जाएंगे, और 11, 12, 13 तारीख को जो है सभी नाम जो है फाइनल हो जाएंगे, और नॉमिनेशन उस अकॉर्डिंग जो है लोग अपने अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे। क्राइटेरिया क्या रखा गया है सर, कि क्या यूथ को मौका दिया जाएगा, किस तरीके से जो है पूरी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो है काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे शिमला शहर में, जिन लोगों का शिमला के लिए काफ़ी योगदान भी रहा है, और हमारा युवा है उनको भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, महिला वर्ग है महिलाओं को भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, और इस बार तो आरक्षण जो है वो 17 सीटों के ऊपर जो है महिलाओं को दिया गया है, तो सभी लोगों को जो है उनकी वरिष्ठता के आधार पे और योग्यता के आधार के ऊपर जो है सिलेक्शन की जाएगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने बनाए हैं, और जो महिलाओं के लिए आरक्षित था मेयर का पद, अब वो इस बार जो है ओपन कर दिए गए हैं। देखिए, जहाँ तक फर्जी वोट की बात ये कर रही है, तो यही इनका अपना एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से धांधलियाँ इन्होंने अपने टाइम में की थी, जब पीछे इनका जब राज था, जिस तरीके से इन्होंने वार्डों का पुनर्निर्माण किया अपने अकॉर्डिंगली, और जिस तरीके से इन्होंने अपना सारा अमला जो है वो फर्जी वोटों को बनाने में लगाया हुआ था, तो स्वाभाविक है कि अब ये वो आरोप जो है हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हमारा ऐसे कोई भी मंशा नहीं है, ना हमने कोई फर्जी वोट बनाए हैं, ये तो लोगों ने डिसाइड करना है कि कॉरपोरेशन में किसे आना है और किसे नहीं, तो फर्जी वोट बना के जो है कोई जीत हासिल नहीं करता है। ठीक है, हमारा हर एक इलेक्शन में जो है कांग्रेस कार्यालय में जो है कंट्रोल रूम स्थापित होता है, जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी होता है, पार्लियामेंट में भी होता है, तो इसी तरीके से जो है विधानसभा अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस है इसके लिए भी कंट्रोल रूम स्थापित होगा, वो समन्वय बनाता है पूरे, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, किसने क्या करना है, तो कंट्रोल रूम में पूरी खबर रहती है मैनेजमेंट करने के लिए, तो हम उससे पूरे जोर शोर से जो है उसको चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।